गुना सांसद केपी यादव को भले ही भाजपा संगठन ने समझा दिया हो, लेकिन क्या भाजपा संगठन सिंधिया को समझा पाएगा कि वे अपनी ही पार्टी के सांसद की अनदेखी ना करें। सिंधिया के दबाव में केपी यादव चुप जरूर हैं, लेकिन यादव समाज सिंधिया से नाराज है। सांसद यादव के ऑल इज वेल के पीछे ऑल इज नॉट वेल दबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के केपी यादव ने लोकसभा चुनाव में ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही गढ़ गुना और शिवपुरी में धूल चटा दी थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा में आ जरूर गए, लेकिन वे अपनी हार को भूले नहीं हैं। यही वजह है कि यादव हमेशा सिंधिया की आंख की किरकिरी बने रहते हैं। सिंधिया के शिवपुरी में सार्वजनिक मंच से माफी वाले मसले से भाजपा हाईकमान खुश नहीं है। भाजपा के सीनियर लीडर्स का मानना है सिंधिया को उस बयान की जरूरत नहीं थी। पहले वो बयान सुन लीजिए। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाई और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध, ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए, मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। सिंधिया के इस बेवजह और बेमौसम माफी के बाद गुना शिवपुरी से भाजपा के सांसद केपी यादव का आग बबूला होना लाजमी था। सिंधिया की बातें यादव को मूर्खता लगी और यादव सिंधिया पर भड़क गए। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले खुल के भी कहा था कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मन से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहाँ मन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ तो उनमें कहाँ से ये बुद्धि आती है, कहाँ से इस तरह की चीज़ें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहाँ से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मन से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है। यादव के बयान के बाद सिंधिया समर्थक भड़क गए और ये मामला भाजपा संगठन तक पहुंच गया। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने गुना शिवपुरी के सांसद केपी यादव को भोपाल तलब करके फटकार लगाई और उन्हें समझाइश दी कि आगे से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आना चाहिए जिससे पार्टी की छवि व नेताओं पर कोई असर पड़े। वैसे ये सब होना सिंधिया के साथ भी चाहिए था। इस घटनाक्रम की जड़ में तो सिंधिया का ही बयान है। इस बात से गुना शिवपुरी संसदीय इलाके के लोग सिंधिया से खफा हैं। लोगों का कहना है यादव जैसे आम भाजपा नेता से हार के बाद से ही सिंधिया बौखलाए हुए हैं। समझाइश के बाद यादव कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, मतलब ऑल इज वेल, लेकिन इस ऑल इज वेल के पीछे कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। अभी वो भैया बोले ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कहीं कुछ कहीं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।